मध्य प्रदेश के छतरपुर पुलिस ने सराफा व्यापारी से हुई लूट का खुलासा करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी अमित सांघी ने बताया कि सराफा व्यापारी जब अपने घर मोटरसाइकिल से जा रहा था, तब रास्ते में बोलेरो गाड़ी से आए तीन चार लोग उसका बैग छीनकर फरार हो गए। वहीं चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम गठित की गई। टीम ने जांच पड़ताल कर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही जिस आरोपी ने इनसे चोरी का माल खरीदा था, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। छतरपुर से संवाददाता मुकेश भार्गव की रिपोर्ट। 25 तारीख को देवपुर तिगेले के पास रहने वाले एक सराफा व्यापारी के साथ लूट हुई थी, और इस लूट में जब वो अपने घर जा रहा था बाइक पे, तब पीछे से बोलेरो ने टक्कर मार के उसका बैग, जिसमें कि सोने चांदी के जेवरात थे, छुड़ा लिया था। इसमें हमारी टीम, जिसमें ओरछा रोड के थाना प्रभारी और TI सिविल लाइन्स और उनकी टीम थी, साथ में एडिशनल SP और CSP लगातार इसका सुपरविजन कर रहे थे। इसमें आज चार लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है, जिसमें कि तीन जो घटना में शामिल थे और एक अन्य सराफा व्यापारी जिसने कि इस माल को गलाने के लिए लिया था। कुल इस घटनाक्रम में पांच आरोपी थे, जो कि मूलतः है उत्तर प्रदेश ललितपुर के रहने वाले हैं, और इसमें दो आरोपी अभी शेष हैं जो कि इस घटना के, हम बोल सकते हैं, मास्टरमाइंड या मुख्य आरोपी थे।